हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, आप किसी का भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से। हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड फ्रॉम मोबाइल, तो इस वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो पाना चाहते हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मोबाइल से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं आपको मैं बताता हूं। तो चलिए मैं मोबाइल पर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं किस तरह से आप अपना या फिर किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो मोबाइल है उसमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउज़र इंस्टॉल है तो उसमें से कोई भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और जैसे इसको ओपन करेंगे कोई भी ब्राउज़र को, उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड टाइप करके जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर uidai.gov.in जो आधार कार्ड की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है सरकार की, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट आधार का, देखिए सबसे ऊपर, तो इस पर आपको प्रेस कर देना है गेट आधार पे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद इसकी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो आधार की वेबसाइट है, कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे की तरफ आएंगे प्रेस करके, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार का। तो इस डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर आपको प्रेस करना है। तो जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ योर आधार। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो है आधार नंबर, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है या फिर वर्चुअल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कोड है, ये कोड डालना है, और उसके बाद ये देखिए सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन है, इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन में प्रेस कर देना है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर, और ये जो कोड है ये कोड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, उसके बाद सेंड ओटीपी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, और ये जो कोड था ये कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं कर देता हूँ सेंड ओटीपी पे, और जैसे सेंड ओटीपी पे प्रेस करेंगे इस पर, तो आपका जो मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, जो आपका आधार कार्ड रहता है उस के नंबर के साथ जो रजिस्टर रहता है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आ गया है 6 डिजिट का, जिसको बोलते हैं 1 टाइम पासवर्ड, वो यहाँ पे डालना है, तो मैं वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए एंटर ओटीपी, ये 6 डिजिट का ओटीपी डाल दिया, और यहाँ पे देखिए टेक ए क्विक सर्वे है, तो ये पूछ रहा है, एक छोटा सा सर्वे आपको फिल करना पड़ेगा, डिड यू नो दैट यू कैन ऑर्डर रीप्रिंट आधार कार्ड फ्रॉम यूडीआई वेबसाइट। आप ये पूछ रहा है कि आपको पता है कि आप रीप्रिंट कर सकते हैं आधार, तो यस कर देना है। जो भी है 3-4 क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो भी आपके हिसाब से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर देना है। ठीक है, उसके बाद कर देना है ऑप्शन, ये जो वेरीफाई एंड डाउनलोड का ये जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई एंड डाउनलोड का ये जो ऑप्शन है, वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर आपको प्रेस करना है। जैसे इस पर प्रेस करेंगे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इस पर प्रेस कर दिया है, और कुछ सेकंड के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, और आपको SMS भी आ जाएगा। और जैसे ही आधार कार्ड डाउनलोड होगा, इस तरह से ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आधार कार्ड जो डाउनलोड आप करते हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आपको आपका जो नाम है, किसी का भी जो आधार कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हैं उसका नाम के 4 डिजिट कैपिटल में करना है। जैसे कि आपका नाम राहुल है तो RAHU डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 1988 है तो 1988 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड डाल दिया, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे देखिए ओपन, और जैसे ही ओपन करेंगे ये देखिए आधार कार्ड मेरा है ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है और ओपन भी हो गया है, तो आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी का भी, खुद का भी, किसी का भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो पासवर्ड रहता है वो ध्यान से डालना है, पासवर्ड मैं फिर बता देता हूँ, जिसका भी किसी का नाम है उसके नाम के पहले के 4 अक्षर बड़े और उसकी डेट ऑफ ईयर, जैसे कि रमेश नाम है तो RAME, और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1992 है तो 1992, तो पासवर्ड हो जाएगा RAME 1992। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड अपने मोबाइल से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर में, जिनको नहीं पता वो भी अपने मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ मन में डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहे ऑनलाइन अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ।